एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए चार चरणों में मतदान होना है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। जहां कुक्षी अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जहां आदर्श आचार संहिता के परिपालन हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और लोकसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता के परिपालन को लेकर आज कुक्षी अनुभाग की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह गुर्जर ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के समक्ष आदर्श आचार संहिता के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आदर्श आचरण संहिता के सभी बिंदुवार मापदंडों के अनुरूप परिपालन हेतु सभी को निर्देशित किया। इसमें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है, उसी घोषणा के तारतम्य में माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा कुछ निर्देश, प्रतिबंधात्मक निर्देश और अन्य निर्देश आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जारी किए गए हैं। तो उन्हीं MCC के पालन के संबंध में जो सर ने निर्देश जारी किए हैं, उनको सभी मीडिया के बंधु, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनके लोग, स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनको आज उन सब ऑर्डर्स से, आदर्श आचरण संहिता के निर्देशों से अवगत कराया गया है और अपील की गई है कि सभी जो निर्देश आए हैं उनके अनुसार ही अपनी जो आचरण है, अपनी गतिविधियाँ हैं उनको रखें। और ऐसी सब लोगों से अपील की गई है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा सेक्टर कुक्षी में अधिक से अधिक लोगों को 13 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा। कुक्षी में आयोजित इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह गुर्जर, तहसीलदार सहदेव मोरे सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, कुक्षी।